हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले वेदांता के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 5 जनवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ये दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले वेदांता में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन वेदांता में हमें जो है 5.24% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 335.25 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है कल के दिन स्टॉक में क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा मैं कहूँगा यहाँ पे वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे मैं कहूँ तो यहाँ पे मीडियम साइज से भी बड़ी यहाँ पे कैंडल जो बनती हुई देखने मिली है। करंटली यहाँ पे 20 EMA को क्रॉस करते जरूर जो हमारा स्टॉक जो है चले गया है, लेकिन RSI की अगर मैं बात करूँ तो RSI 47-48 के आसपास जो आ चुका है, जो हमें थोड़ा सा जो है एकदम स्लाइटली यहाँ पे पॉजिटिव का इशारा देता है। यहाँ पे जरूर हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे साइड में जो विक बनी है जो यहाँ पे 50 EMA के ऊपर जो यहाँ पे कोशिश की है जो यहाँ पे अपसाइड में क्लोजिंग देने की। तो यहाँ पे मैं कहूंगा एग्जैक्ट यहाँ पे जो अपसाइड में हमें जरूर जो 50 EMA के ऊपर जो क्लोजिंग देखने मिली है, मतलब 50 EMA का यहाँ पे सपोर्ट जो हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए यहाँ पे एकदम ही न्यूट्रल फिलहाल के लिए हो चुका है। न्यूट्रल यहाँ पे क्यों हुआ है क्योंकि 20 EMA के नीचे यहाँ पे स्टॉक जो है आ चुका है। तो हमें जो है थोड़ा सा जो है कॉशियसली काम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कल के दिन कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे डाउन गया तो स्टॉक जो है यहाँ पे अगर कल के दिन नीचे के साइड में क्लोजिंग दी तो यहाँ पे स्टॉक जो एकदम नीचे जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 341 के ऊपर तक ऊपर के जहाँ पे नहीं दी क्लोजिंग, 342 के ऊपर यहाँ पे अगर क्लोजिंग नहीं दी तो स्टॉक जो है अभी भी न्यूट्रल ही रहने वाला है। तो करंटली स्टॉक जो अभी भी न्यूट्रल है। मैंने आपको दो यहाँ पे चीज बता दिया जो है यहाँ पे अगर 335 के नीचे गया तो स्टॉक जो है और गिरेगा, लेकिन अगर 342 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ तो स्टॉक जो है वापस है अपसाइड मूवमेंट आपको देगा। तो करंटली इसलिए हमारा जो है ओपिनियन न्यूट्रल का है। आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करूँ मैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस की तो यहाँ पे मुझे कुछ एडिशनल जो है यहाँ पे चेंजेस जो देखने मिल रहे हैं। तो जरूर जो है मैं उस एडिशनल चेंजेस जो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे जरूर करके रख दूंगा ताकि यहाँ पे हम जो है अच्छी तरह से अपना जो है यहाँ पे टारगेट को जो है डिसाइड कर सके और यहाँ पे अच्छा सा जो अपना यहाँ पे प्रॉफिट कर सके। तो यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ अगर आप चाहे तो जिस तरह से यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ आप जो है अपने चार्ट में जरूर जो है चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस अब मेरे हो गए हैं सारे के सारे। बात करते हैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग की। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड का यहाँ पे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन देखे कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग अब यहाँ पे 335.75 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट की बात करें 333.10 का यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट आता है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो होता है यहाँ पे 339 का डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो बनता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में, तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आप सभी को 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हमारे कल के लिए तो यहाँ पे जरूर जो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट यहाँ पे हमारा बनता है 327.95 का, उसके बाद का सपोर्ट आता है 321.10 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 345.45 का,
उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन आता 352.95 का। तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन जो आप सभी को बता दिए, जरूर जो उसी को कंसीडर में रखते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कहूँ तो जरूर जो यहाँ पे एक पॉजिटिव का बनता है, मतलब स्टॉक जो है जरूर यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज होगा, लेकिन ज्यादा यहाँ पे जो है हमें बड़ा मूवमेंट जो देखने नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इसी बीच, मतलब आज के क्लोजिंग से लेके 339 के बीच में हमें लगता है क्लोजिंग आपको देखने मिल सकती है, मतलब 3 या 4 पॉइंट का जो है यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आ सकता है, उससे ज्यादा यहाँ पे ऐसा लगता है स्टॉक में कल के दिन हमें देखने नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।